वनांचल टीवी 24 लाइव। नमस्कार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं वनांचल टीवी 24 टीवी लाइव से। आज हम पहुंचे हैं राजनगर। राजनगर में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है यहां के स्कूली बच्चों को, छात्र छात्राओं को, क्योंकि SS+2 जिसे हम राज्य संपोषित उच्च विद्यालय कहते हैं राजनगर का, उसका एक अलग ब्रांच यानी नए स्कूल भवन का आज शिलान्यास हो रहा है, जिसमें यहाँ के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री माननीय चंपाई सोरेन यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका भव्य स्वागत के साथ इनको यहाँ लाया गया है और अभी कुछ देर में मंच को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ नया कुछ देखने के को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर, यहाँ आप देख रहे हैं लाइन लगा के ट्रैक्टर लगाया गया है और इस ट्रैक्टर में महिलाएं बैठी हुई है, तो क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप ट्रैक्टरों की लाइन लगी है और इसमें कई महिलाएं भी बैठे हुई है। महिला सशक्तिकरण का दौर है और ये जो सारे आप मिनी ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये जिला भूमि संरक्षण की ओर से सब्सिडी पर दिया जा रहा है महिला ग्रुपों को। आप देख रहे हो इसका साइज भी काफी कंफर्टेबल है और बड़ी आसानी से महिला, जो हमारी कृषक महिला है, आराम से खेत में इसको चला सकती है। और जो अभी हम लोग का जो मवेशी खास करके धीरे धीरे कम देखा जा रहा है घरों में, और ये निश्चित तौर पर जो हम लोग दे रहे हैं ये मिनी ट्रैक्टर, इनके खेती बाड़ी में काम आएगा राजनगर के लिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार कालिंदी है, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए ये एक सरकार की एक अच्छी पहल है और इसी पहल के मुताबिक आज महिलाओं को भी मिनी ट्रैक्टर के माध्यम से किसान के क्षेत्र में, मतलब कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जो आज माननीय मंत्री के हाथों से सभी लाभुकों को दिया जाएगा। हमारा इनका बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला कदम रखा। ये मानव क्यों ऐसा ही बिना शिक्षा के अधूरा रह जाए, इन्हें हाथ हार इसी मनुष्य बहुत जल्दी सरकार को इंदिरा कॉलेज से लेके राज्य में इसका बीच में डिग्री कॉलेज भी देने जा रहा है मेन रोड के इलाके। और उसका साथ बहुत कम दिनों में आप लोगों को जितना ही विद्यालय आए, चाहे चाहे वर्षा हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे चढ़ाई किला हो, जितना ही पुलिस में पढ़ने वाला विद्यार्थी हर ग्रामीण क्षेत्र से पास, मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना जिसे हर विद्यालय फ्री विद्यार्थी फ्री जाएगा, रोजा फ्री आएगा, पूरा इलाका झूठ ज्यादा से ज्यादा गांव उस रूप में मिले, ताकि विद्यार्थी कभी मैट्रिक होने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको आने जाने के लिए कठिनाई नहीं हो, यह हेमंत सरकार ने आशीर्वाद कर दिया है। इसलिए ये सरकार ने छात्रवृत्ति को भी हम लोग जब 50,000 को 1,00,000 हम लोग बढ़ोतरी कर दिया, कोई सरकार नहीं किया बढ़ोतरी, सिर्फ हमारी सरकार आपकी सरकार हेमंत सरकार ने 500 को 1500, 1500 को 2,500, यही सरकार ने साथ छात्रवृत्ति को 1 से लेके आगे तक सबका छात्रवृत्ति बढ़ोतरी कर दिया, ताकि हमारा विद्यार्थी उनका पढ़ाई में कठिनाई नहीं हो, सही शिक्षा प्राप्त करे। हमारा सभी पंचायत में, पूरा प्रदेश में पंचायत में जैसा सराई किला में जिसमें नोडल स्कूल बन गया, उसी तरह हर पंचायत में नोडल स्कूल बनेगा जहां निजी विद्यालय से बढ़िया या सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा।